October 3rd, celebrations began in a small village in Meerut as its daughter Anu Rani clinched gold in the javelin throw event. This is at the Asian Games in China. Anu's journey to gold was not an easy one. Before the Rani Raj, Anu faced stiff resistance from her relatives, who often frowned upon women taking up manly sports. She also grappled with a string of lackluster performances throughout the year. Feeling despondent, at one point, Rani had even decided to give up on her sport. But how she fought repression and depression is a story that needs to be told. And telling that story to us is Anu Rani, joining us live from China. Anu, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई. देश के लिए पहला गोल्ड एशियन गेम्स में जैवलिन आप जीती हैं, यानी कि आपसे पहले कोई भी भारतीय महिला जैवलिन में गोल्ड नहीं लाई है, तो वो रिक्वायर्ड है. बड़ी मेहनत के बाद मिला है ये आपको. क्या ये मेडल आपके लिए सबसे खास है? सबसे पहले थैंक यू मैम. जी मैम, ये मेडल मतलब मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इतना साल से मैं मेहनत कर रही थी, और जैसे कि ये साल था, ये मेरे लिए काफी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मैं मतलब मैंने ट्राई कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी, बट मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पा रही थी. तो ये मेरा साल सबसे मुश्किलों भरा रहा है, और उसके बाद आके मेरे ये साल का जो अभी एंडिंग है, सीजन हमारा एंड हुआ है, तो इसे मैंने गोल्ड लिया. और ये एक हिस्ट्रिकल मेडल की आज तक लड़की जो इंडिया की जो वुमेन थी जैवलिन में, कोई मेडल नहीं लेके आई, तो ये मेरे लिए काफी मतलब प्राउड मोमेंट है. सो अनु, आपके लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. आपका गोल्ड आया, नीरज का गोल्ड आया, जैवलिन की दुनिया में आप दोनों ने देश का नाम रोशन कर दिया है, झंडा गाड़ दिया है. आप लोगों की क्या बात होती है, नीरज की और आपकी? मैम अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है, खासकर एक लड़की होने के लिए, क्योंकि जहाँ से मैंने जिस बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, मेरे पास ग्राउंड नहीं होता था, जैवलिंग नहीं होता था, और यहाँ तक कि गांव से निकल के आना कितना मुश्किल भरा रहा था मेरे लिए, क्योंकि लड़की गांव से निकलना ही लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है. और एक फैमिली की सिचुएशन होती है कि किसान परिवार से आके इतना बड़े लेवल पे आके मैंने मतलब देश के लिए मेडल लिया, तो सब लड़कियों के लिए एक बहुत ही मोटिवेटेड है कि अगर मैं मतलब वहां से निकल के कर सकती हूँ, इतने बड़े लेवल पे मतलब चाइना वगैरह इतना स्ट्रोंग कंट्री है, उनको हरा के मैं उनके देश में आके उनको हरा के मैंने मेडल लिया, तो सब लड़की भी कर सकती है. आपने अभी बोला रानी कि ये पूरा साल आपके लिए काफी मुश्किल था, काफी प्रेशर था आप पे, काफी दबाव था. एक के बाद एक सिर्फ निराशा ही पूरे सीजन हाथ लगी. आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आपने एक टाइम पे जैवलिन को छोड़ने का निश्चय कर लिया था. खैर, अब देखिए आप कहाँ हैं. आपने उस ख्याल को, जैवलिन को छोड़ने के ख्याल को कैसे पराजित किया? क्योंकि मैम कभी कभी लाइफ इतनी हार्ड हो जाती है, इतने स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, कि हमें समझ नहीं आ पाता कि हम मतलब क्या करें, कहाँ जाए. क्योंकि मैं लगातार मेहनत कर रही थी, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट भी हमें इतना सपोर्ट करती, साई हमारा फेडरेशन, तो हर एक चीज का प्रेशर रहता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना पैसा लगा रही, और ऊपर से फिर हम अच्छा नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए एक थोड़ा सा कहीं बहुत ज्यादा निराशाजनक हो जाता है. और मेरे लिए 60 क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन चुका था इस बार, कि मैं कर नहीं पा रही, और मेरा एक भी मेडल नहीं आया था इस साल मेहनत करते करते. तो मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो गेम का एक में आ गया था कि मैं मतलब शायद मैं गिव अप कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं गांव से निकल के आई, मैंने इतना स्ट्रगल किया, तो इस दिन के लिए तो मैंने नहीं किया, तो मैं लास्ट तक गिव अप नहीं करूंगी. फिर मैंने मतलब मेरे को अपने आप को समझाया कि नहीं, मैं गोल्ड ही लेके आऊंगी इस बार. तो अनु, मेरठ के एक छोटे से गांव से आती हैं आप. जैवलिन को उन इलाकों में मर्दों का खेल माना जाता है. रानी, आपने कैसे मुकाबला किया उस सोच का कि ये लड़कों का खेल है, महिलाएं क्यों उसको खेल रही हैं? जी मैम, इस पहला चैलेंज तो यही था कि घर से बाहर निकलना, क्योंकि घर में लड़कियों का गांव में लोअर टी शर्ट पहनना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग दूसरी नजरों से देखने लगते हैं कि हाँ लोअर टी शर्ट पहन रहे हैं, क्या करेंगे, लड़की है. और
यही होता है कि गांव में तो बहुत बड़ा चैलेंज है लड़की के लिए। पहले तो मैंने जब गेम स्टार्ट किया था, मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मैं चोरी छिपे, मेरा खेत होते थे वहां पे, चोरी छिपे जैवलिन थ्रो करती थी, फिर घर आ जाती, तो किसी को 1 साल तक तो किसी को पता नहीं था कि मैं गेम करती हूँ। और जब मैंने मेरे पापा को बताया तो वो बहुत गुस्सा हुए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, हम लोअर टी शर्ट नहीं पहनने देंगे, हम लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वो दिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरे थे। और गांव में घर में तो स्थिति ही नहीं थी, हम 5 भाई बहन है, किसी की जॉब नहीं है, पापा किसान है, छोटे से ही किसान है, तो कैसे वो मेरा मतलब इतना स्पोर्ट्स है, काफी चीजें महंगी होती है, शूज स्पाइक्स कपड़े जैवलिंग भी इतना महंगा आता है, तो कहाँ से वो मेरी सब चीज इनका उठा पाएंगे। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं जब स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन खेलने जाती थी तो मेरे पापा पड़ोस में जाके मतलब मदद लेते थे किसी से, मैं किसी से शूज लेके आती थी कि मेरा कॉम्पिटिशन है, मुझे शूज दे दो, मेरे को कॉम्पिटिशन खेलने जाना है, टी शर्ट वगैरह भी नहीं होती। तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरे दिन थे मेरे लिए। तो वो तो हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने कुछ करके दिखाया देश के लिए। और अनु, मैंने ये भी सुना है कि आपने अपने शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि जैवलिन नहीं होता था, तो ट्रेनिंग के लिए आपने गन्ने के डंडों का इस्तेमाल किया अपने खेत से, क्या ये सही है? जी बिल्कुल मैम, क्योंकि जैवलिंग तो होते नहीं थे उस टाइम, बट मेरे ऊपर एक जुनून था कि मुझे मतलब कुछ करना है, तो जो भी डंडा मिला, गन्ना मिला, जो भी मिला, मैं उसी को मतलब फेंकते आती, थ्रो करते रहती थी। जी मैम, चलिए, एक जंग तो आपने जीत ली है, आप भारत के लिए गोल्ड ले आई हैं जैवलिन में, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में जैवलिन में गोल्ड पाया है, अब आगे क्या? आगे तो मैम ये है कि अभी इतना बड़ा मेडल मुझे मिला है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है मेरा, तो बस आगे का यही टारगेट है कि जैसे कि ओलंपिक्स होने वाला है तो उसमें अच्छा करना है, और ऐसे ये चीज मुझे रिपीट करनी है वहां पे, तो अभी नेक्स्ट फोकस तो ओलंपिक्स ही है, उसमें जाना है और अपने देश को प्राउड फील कराना है, जो भी हमारे देश की लड़कियां है खासकर उनको मुझे सपोर्ट करना है जितना मतलब मेरे से मदद हो सकता है जिस भी तरीके से, जैसे कि उनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, और जो लड़की मेरे से कनेक्ट होना चाहती है, बात करना चाहती है, मैं उनका मतलब सबका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस स्टेज से होके मतलब मैं गांव से निकली हूँ, लड़कियों को मतलब क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। अनु, इस समय बहुत सारी लड़कियां शायद टीवी पे बैठी हुई हैं और गांव में, गांव देहात में भी बैठी हुई हैं और आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं, और वो सोच रही हैं कि अनु रानी चाइना में जाके देश के लिए गोल्ड ला सकती है, मेरठ के एक छोटे से गांव में है से हैं, लेकिन चाइना जाकर देश का नाम रोशन कर सकती हैं, ये हमें भी करना है। ऐसे में आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि सिचुएशन आती है कि आपको लड़ना पड़ेगा, मैं सबसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को लड़ना सीखना चाहिए, अपने हक के लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था गेम तो मेरी फैमिली में कोई रेडी नहीं था, लोअर टी शर्ट पहनना भी मुझे अलाउड नहीं था, तो मैं लड़ी, मैंने मेरे पापा से जिद की, उनको मनाया, तो वही है कि अगर कोई चीज सही है, शायद चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे उनका मतलब स्टडी है या फिर गेम, कुछ भी फील्ड है, लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, उनको अपने लिए हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, तो यही है कि कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, बड़े सपने हैं, तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद के लिए लड़ना सीखो, सही चीज है उसको करो, चाहे आपकी फैमिली आपके अपोजिट हो या चाहे पूरी दुनिया आपके अपोजिट हो, आप उसके लिए खड़े रहो और उसके लिए लड़ो बस।